नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। भारत ने ब्रह्मोस के नए वर्जन का सफल टेस्ट किया है और इस ब्रह्मोस को पूरी तरीके से भारतीय टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और इस ब्रह्मोस को दुगनी रेंज के साथ टेस्ट किया गया है। और इसी के साथ ही साथ भारत ने एक और बड़ी डील साइन कर ली है और भारत हथियार मार्केट का किंग बन रहा है, ये हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत ने आज ब्रह्मोस के नए वर्जन का सफल टेस्ट किया है और ये टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रूज मिसाइल की रेंज काफी शॉर्ट होती है और शॉर्ट रेंज होने के कारण ये ज्यादा घातक हो जाती हैं। और जैसे जैसे इनकी रेंज को बढ़ाया जाता है तो इनका हिट पॉइंट काफी कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार तो DRDO ने कमाल कर दिखाया है और इस बार जिस ब्रह्मोस का टेस्ट किया है उसकी रेंज पहले वाली ब्रह्मोस से दुगनी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस बार भारत ने ब्रह्मोस ER का सफल टेस्ट किया है और ब्रह्मोस के इस वर्जन का पूरा नाम ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज है। तो दोस्तों, तो इस मिसाइल को उड़ीसा के बालासोर तट से छोड़ा गया है और मिसाइल ने सभी पैरामीटर अचीव किए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो भी ब्रह्मोस भारत में बनती थी उसमें भारत और रूस दोनों की टेक्नोलॉजी होती थी, मगर इस बार तो DRDO ने कमाल कर दिखाया है और इस बार की ब्रह्मोस उसने फुल्ली मेड इन इंडिया बनाई है। और साथ ही भारत ने इस बार उन सभी के मुंह बंद कर दिए हैं जो कि कहते थे कि भारत बड़ी बड़ी मिसाइलें रूस की मदद से बनाता है। तो दोस्तों, इस बार की ब्रह्मोस में पूरी तरीके से भारतीय टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और जो छोटी बड़ी चीजें होती हैं उनमें भी भारतीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अब ये ब्रह्मोस मिसाइल फुल्ली मेड इन इंडिया बन चुकी है। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस ER की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़कर 450 किलोमीटर तक कर दी गई है। और भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट तो ये था कि हमने इसकी रेंज तो बढ़ा दी है लेकिन ये अपने टारगेट पर हिट करेगा या नहीं करेगा, इस पे डाउट था। लेकिन इस मिसाइल के टेस्ट करते ही ये सारे डाउट भी क्लियर हो गए हैं और इस मिसाइल ने अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर दिया। और साथ ही भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक और अपडेट दे रहा हूँ कि मॉरिशियस ने भारत के साथ एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा साइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही भारत वेपन एक्सपोर्ट और डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है। और हाल ही में मैंने आपको बताया था कि फिलीपींस के साथ भारत की डील फाइनल हो गई है, जिसको देखकर और भी देश भारत से वेपन खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो एक तरह से भारत वेपन एक्सपोर्ट का किंग बन गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।